सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में खबर आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी खबर है और स्टॉक एक्शन में भी है। आप सभी को पता भी क्यों तेजी बनी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हमारी प्रीवियस वीडियो में भी, और हमारी कल की वीडियो में भी मैंने क्लियर बोला था कि केपीआई ग्रीन एनर्जी डटने वाला नहीं है। ये बजट तक या फिर अपने जो इसके बजट से पहले तो इसका वो आ जाएगा अभी, क्या बोलते हैं, जो स्टॉक स्प्लिट कंपनी दे रही है ना 18 तारीख को, तो बजट से पहले तो वो है, 23 तारीख को बजट है, लेकिन 28 तारीख को कंपनी का प्राइस आप लोग देखोगे स्प्लिट हो जाएगा। और ये 18 तारीख, क्या 18 तारीख से पहले जो शेयर है फ्रेश हाई बना सकता है? देखो भाई, फ्रेश हाई कितना है इसका, 2100 के आसपास है। तो अभी आप लोग देखोगे आज शेयर कितना उछला, 5%। और ये रैली क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर FIDI का जो डाटा है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी कि FIDI ने जमकर माल खरीदा है इस क्वार्टर के अंदर। इससे पहले भी FIDI का डाटा बिल्कुल अच्छा था, तो आगे भी जो अभी इन्होंने खरीदारी अच्छी की है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज हमें एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली। और ऐसा ही नहीं है कि कंपनी स्प्लिट भी दे रही है, इससे पहले जो अभी शेयर में एक अच्छा बूम आने वाला था, ये मैंने 1785-1750-60 उस रेंज में शेयर था तब बोला था, और वो आज आपके सामने भी है। जो भाई टेलीग्राम से जुड़े उन्हें पता है किस रेंज में मैंने जो उनको बाय के लिए बोल दिया था। तो आप भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। पेड मेंबरशिप है भाई, 300 रुपये की पर मंथ है, ठीक है, एक महीने की 300 रुपये की है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग देखो भी एक महीने के लिए जुड़ सकते हो। 15-20 शेयर आपको बताएंगे जिनके अंदर प्रॉफिट्स की संभावना ज़्यादा है। अब तक हमारे जो हिट कॉल गए हैं लगभग डबल से भी ऊपर गए हैं, मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड 700-700 की रेंज में, 1800-1800 की रेंज में बोले हुए हैं, HCL को 2900 की रेंज में, आज आप लोग देखो कहाँ पर है। इसी प्रकार के अच्छी क्वालिटी के जो शेयर है वो आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे जो ये स्टॉक्स हैं ना भाई, क्या बोलते हैं, RVNL वगैरह, ये मैंने उस टाइम बोला था जब मार्च में गिरावट बनी इन शेयरों में, 250-250 की रेंज में आए थे ना, तब बोला था, और आज आप लोग देखोगे 600 के भाव में डबल हो गए हैं। तो इसी प्रकार से अच्छी क्वालिटी के जो शेयर है वो आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसे रहेंगे लेवल वगैरह। और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी टाइम से जो है अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं स्टॉक, ऊपर से आप लोग देखोगे अपने हाई से लगभग 30-35-36% के आसपास फिसला हुआ है, और अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज एक खबर भी आई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा उससे पहले देखोगे भी, स्टॉक 5 जुलाई को ASM की थर्ड स्टेज में आ गया, फोर्थ स्टेज से निकलकर, और अभी के टाइम जो शेयर है उसमें 2% की तेजी है। तो चलिए मैं आपको खबर दिखाता हूँ। पहले खबर की बात करें तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी ने आज के दिन ये नोटिस पब्लिश किया है, 15 जुलाई को BSE की साइट पर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि BSE लिस्टेड कंपनी है। कंपनी ने बताया इसको जो अभी एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, LOA मिला है, ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, और ये जो ऑर्डर मिला है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसकी डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके इसे पढ़ लेना। और ये देखो भी इसकी जो कैपेसिटी है साइज ऑर्डर का, लगभग 30 MW का रहने वाला है, और इसे जो कंपनी है जो क्या बोलते हैं इसकी जो कॉस्ट है, वैल्यू है, वो लगभग 90.29 करोड़ के आसपास की, यानी 90 करोड़ के आसपास के कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। तो काफ़ी अच्छी बात है, अभी ऑर्डर बुक इसकी इंक्रीज हो रही है। और लॉन्ग टर्म के देखो भाई, मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको कई बार समझाया था कि भी शेयर देखो जिस प्रकार से चला ना वो थोड़ा सा गलत तरीका था, और अभी के टाइम में शेयर में एक अच्छी गिरावट बन सकती है। जब ये शेयर 2500 के आसपास 2700 के रेंज में था तब बोला था, और अभी के टाइम आप लोग स्टॉक काफ़ी टाइम से 1900 के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो नीचे में 1700 के आसपास का सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टिका रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नीचे में घटा तो भाई 1250-1400 उस रेंज में शेयर जा सकता है, तो 1700 का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम है इसका। चलिए अब देखते भी KPI, तो यहाँ पर देखो KPI का डाटा कैसा है अभी, 1851 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन आई 1876 तक नीचे में आया, फिर उसके बाद सीधा सर्किट में लॉक हुआ है भाई। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक 37,800 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है, तो कल पॉजिटिव ओपनिंग के चांस हैं, और डिलीवरी आप लोग डिलीवरी जो क्वांटिटी देखने को मिल रही है लगभग 51%, तो काफ़ी शानदार जो डिलीवरी वो हमें देखने को मिली। चलिए अब देखते हैं चार्ट इसका भी, तो यहाँ पर देखो भाई स्टॉक में ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक में आया, और इस ब्रेकआउट के बाद जो शेयर है वो टिकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई,
ठीक है, देख सकते हो ये शेयर जब ये इस लेवल पर था अभी ना, तब से बोल रहा हूँ 1760 इस रेंज में था यहाँ पर, तब से बोल रहा हूँ कि स्टॉक में मौके हैं। और यहाँ पर ब्रेकआउट आया और उसके बाद जो पहला टारगेट था 1900 का, ये हमें देखने को मिल चुका आज के दिन। अगला जो टारगेट अभी वो 2100 के आसपास का है और इसके लिए जो ना अभी 1900 का सपोर्ट नीचे में बना हुआ है। तो अभी टाइम जो सपोर्ट ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हैं उनके लिए भी सपोर्ट 1900 का और ऊपर में चांसेस के रहेंगे भी 2100 के आसपास जाने के। अगर मार्केट में कोई फॉल आए उस कंडीशन में, अगर शेयर टूटे तो वो एक मौका होगा नीचे के भाव में खरीदारी का। और नीचे में स्ट्रांगली सपोर्ट जो है इसका वो 1700 के आसपास है, 1675 से 1700 के आसपास का, तो ये लेवल रहेंगे भी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खबर आपसे आगे मिस ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।